देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? ऐसा क्या हो गया? मैं भी आऊं क्या वहां? हाँ जी, वो गुनहगार मिल गया जिसने बस का एक्सीडेंट किया था। में नहीं आता तो इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? छोड़ ना, हम लोग ठीक है ना? घर से निकल के चला गया है। मासी, उसने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए उसको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। और सबकी जान खतरे में थी, आपको तो पता है सब कुछ। कितने लोगों की जान खतरे में थी? अगर किसी को कुछ हो जाता तो हम दोनों भी उसी बस में थे ना। और आप उस बच्ची को बचाने के लिए उस बस के अंदर गई थी। अगर आप दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो? और अगर आप नहीं जाती और वो बच्चे की जान चली जाती तो? ये जो भी था ये बहुत गलत था और बहुत ही खतरनाक था मासी। मासी देखिए, उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसको सजा देनी ही पड़ेगी, वरना फिर वो किसी बस का एक्सीडेंट करेगा, फिर लोगों की जान खतरे में डालेगा। उसके लिए तो ये सब बिल्कुल मजाक है, उसे तो मजा आ रहा था ये सब देखने में। मासी वो ना बस एक बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तूने जो किया सही किया, अपना ख्याल रख। और हाँ, ये कौन से पुलिस स्टेशन में है तू? मासी मैं चेंबूर पुलिस स्टेशन में हूँ। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अरे ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्यों? पता नहीं होना चाहिए कि तू कहाँ है इस वक्त। हाँ चल, लव जो कर रहा है फटाफट ये करके घर वापस आ, ओके? अरे माँ, चेंबूर पुलिस स्टेशन, मैं भी वहीं चली जाती हूँ। राजवीर ने कहा कि कोई बहुत पैसे वाला बिगड़ा हुआ लड़का है, ये लोग पैसे के दम पर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, कहीं राजवीर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। उनको उठा क्यों नहीं रहा है? निधि, तुम्हें पक्का पता है ना कि शौर्य का फोन उस बारटेंडर के पास में था? Yes, मैंने जब लास्ट बात की थी तो उसी बारटेंडर से की थी। कौन से क्लब में पार्टी कर रहा था शौर्य? वो I don't know. You don't know? निधि, तुमसे शौर्य के बारे में कुछ भी पूछा जाए तुम्हें पता क्यों नहीं होता है? तुम ही हो ना जो शौर्य का ध्यान रखती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शौर्य कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कौन से क्लब में पार्टी करता है, पता होना चाहिए तुमको। करण तुम्हें क्या हो गया है? तमीज से बात करो, ये कोई तमीज है किसी औरत से बात करने की? मॉम जस्ट रिलैक्स, क्यों बीच में बोल रही है? करण जो चाहे मुझे बोल सकते। निधि प्लीज, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। इस वक्त बात हो रही है इस घर के बेटे की जो हाथ से निकलता जा रहा है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा जो हाथ से निकल चुका है। इस वक्त जरूरत है उसे सही रास्ते पे लाने की, जरूरत है उसको उसकी माँ की। अब यहाँ ऑटो कहाँ मिलेगा? कोई ऑटो ही नहीं दिख रहा है, क्या करूँ? पलकी से पूछती हूँ, उसका नंबर तो है, मैंने सेव किया था। ये रहा। प्रीता जी। हाँ प्रीता जी बोलिए। मुझे पूछना था कि यहाँ पर ऑटो कैसे मिलता है, मतलब ऑटो लेना हो तो कहाँ जाना होता है? क्यों प्रीता जी, इतनी रात को आपको कहाँ जाना है? वो मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। राजवीर वहाँ गया है तो मैंने सोचा मैं भी जाकर देखती हूँ, लेकिन मुझे ऑटो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं। ऑटो स्टैंड कहाँ पर है पलकी? आप टेंशन मत लीजिए, बताइए अभी आप कहाँ हैं? मैं तो यही हूँ बाहर, घर के बाहर जो गली है वहीं खड़ी हूँ। ठीक है, आप रुकिए मैं आती हूँ। नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या दी, क्या कर रहे हो, इतनी रात हो गई है, सो जाओ ना। माही वो प्रीता जी जस्ट होल्ड ऑन ना, आप वहीं पे रुकिए, मैं अभी आई। तुम कह रहे तुम कहाँ रहती हो? यही सामने वाले घर पे। अच्छा,
लेकिन राजवीर इतनी रात में पुलिस स्टेशन क्यों गया है? वो जिस लड़के की वजह से हमारी बस का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके खिलाफ उसने कंप्लेन फाइल की, तो इसीलिए वो पुलिस स्टेशन गया है। काफी रात हो गई है और वो वहाँ अकेला है, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाकर देखती हूँ, तो इसलिए मुझे ऑटो लेना था, दैट्स ऑल। आइए मेरे साथ, ऑटो स्टैंड वही है। अरे तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो, मैं चले जाऊंगी, तुम जाकर सो। प्रीता जी आप वैसे भी इस शहर के बारे में कुछ जानती नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। चलिए यहीं पर है। तू जिस किसी की भी औलाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा गया? ज्यादा ठोस और धमकी दी ना तो अभी तो तुझे सिर्फ अरेस्ट किया है, सीधा अंदर कर दूंगा, समझा गया? पर हमारी क्या गलती है, हमें तो छोड़ दो प्लीज, तुम अपनी फैमिली को कॉल करके जल्दी यहाँ पे बुलाओ और उन्हें बोलो हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकाले। सॉरी प्लीज, यहाँ दम घुट रहा है, एक मिनट भी नहीं रहा जा रहा, और मेरे डैड अगर उनको पता चल गया ही विल किल मी। इंस्पेक्टर मुझे एक कॉल करना है। ए, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ एटीट्यूड नहीं चलता। अरे एटीट्यूड कहाँ दे रहा है इंस्पेक्टर साहब, स्वीटली तो बोल रहा है। तो फिर रिक्वेस्ट करो। तो मैं हूँ ना उसकी माँ। अच्छा तुम उसकी माँ, तुम्हें पता है कि इस वक्त वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता होता है उसके बारे में तुम्हें? सब पता होता है, पर तुमसे बात क्या करूं, तुम तो उसको जज करते रहते हो। अच्छा बताओ उसके बारे में मुझे, बोलो। सच जानना चाहती हो ना तो मैं बताती हूँ, शौर्य सिर्फ शौर्य नहीं है, शौर्य लूथरा है, और इस लूथरा खानदान की ये जो सरनेम है ना, वो जितनी बड़ी एडवांटेज है उतनी बड़ी डिसएडवांटेज भी है उसके लिए। तुम्हारे नाम का जो स्टेटस है ना, उसका बहुत बड़ा स्केपगोट मेरा बेटा बन जाता है। वो बच्चा है, मैंने सुना था शौर्य से जब मैं बात कर रही थी, वो उस लड़के को बोल रहा था कि वही लड़का जिससे उसे अरेस्ट करवाया, वो उस लड़के को बोल रहा था कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम पैसे ले लो। नो प्लीज, इससे पहले कि तुम उसे जज करो और ये सोचो कि शौर्य अपने पैसों का शो ऑफ करता है, एक बार सोचो। तुम्हारी ऑफिस के बाद जो वो इंसिडेंट हुआ था वो गरीबों के साथ, अगर शौर्य की जगह कोई और लड़का होता, कोई कॉमनर, कोई सिंपल सा आदमी, तो क्या होता? लड़ाई होती, झगड़ा होता, आवाजें ऊंची होती, पर बस बात वहीं खत्म हो जाती ना। पर नहीं, तुमने क्या किया, तुमने उन्हें कैश दे दिया, कैश तो दिया ही दिया, तुमने उन्हें घर भी दे दिया। तुम ये समझ क्यों नहीं पाते हो कि शौर्य तुम्हारे पैसों की वजह से एक मोहरा बन जाता है लोगों के लिए? मैंने जब शौर्य से लास्ट बात की थी ना, तो मुझे पीछे आवाजें आ रही थी, वो वही लड़का जिसने उसे अरेस्ट करवाया वो पुलिस लेकर आया था, एंड इतना कुछ शोरगुल हो रहा था उन सब में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड देन अगेन व्हेन आई डायल्ड हिम, तो बारटेंडर ने फोन उठाया, और पता है उस बारटेंडर ने क्या कहा, कि शौर्य अरेस्टेड है। Just forget it, Nithin. Request नहीं कर रहा, I'm telling you. इसकी परमिशन तो लॉ भी देता है। ये बात तो ठीक है काले, लॉ परमिशन देता है, करने दो इसे एक फोन। और मैं भी इस थाने का इंचार्ज हूँ, और मुझे भी लॉ परमिशन देता है गुनेगार को सजा देने की। काले इसे फोन करने दो, जैसे ही फोन खत्म हुआ सीधा अंदर डाल दो। ए, इकड़े फोन कर, पहले बात कर, और जल्दी करना, ये ले। हेलो 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 मॉम। शौर्य मॉम, मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मैं चेंबूर पुलिस स्टेशन में हूँ, आप प्लीज डैड को लेके जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, यहाँ मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दिस प्लेस इज रियली डिस्गस्टिंग एंड दीज पीपल उससे भी ज्यादा। रिलैक्स शौर्य, डोंट वरी, मैं तुम्हारे डैड को लेकर अभी आ रही हूँ। यस मॉम, प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए। और सुन बस रे, लॉ इतना ही परमिशन देता है। हेलो शौर्य। निधि क्या कहा शौर्य ने, कहा है वो, बताओ तो सही। अरे गॉड, ए लेके जाओ, डालो अंदर इसको, और चल अंदर, वुमन को दूसरे सेक्शन में डालो। हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेके जाओ, चल प्लीज, हमें छोड़ दो प्लीज, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज। थी फाइल आन रे करन, चलो
करण, शौर्य का अभी अभी फोन आया था, वो चेंबूर पुलिस स्टेशन में है, चलो जल्दी चलो, उसकी बेल करवा के उसको वापस लाते हैं। चेंबूर? यस, जल्दी चलो, उसका बेल करवाना। क्या शौर्य पुलिस स्टेशन में? क्या हुआ शौर्य? मॉम, मॉम संभाल के, आप ठीक है ना? दादी, प्लीज आइए, आराम से आराम से आराम से नीचे उतरी, देख के देख के देख के देख के आई। ओ माँ, बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ संभाल के आराम से। क्या हुआ शौर्य को? चिंता मत कर, मैं शौर्य को वापस लेकर आऊंगा। जल्दी लेकर आना शौर्य को, मेरे बच्चे को लेकर। माँ एक काम क्यों नहीं करती, वो दादी के डॉक्टर को फोन कीजिए ना, डॉक्टर अविनाश। निधि, हम सब कुछ संभाल लेंगे, तुम और करण जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और शौर्य को छुड़ा के ले आओ। हाँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाइए यहाँ पे। ओके, जल्दी। दादी, मैं डॉक्टर को बुला लिए, वो आ रहा है। तू शौर्य को लेकर आ। दादी, मैं अभी जाता हूँ, अभी शौर्य को वापस लेकर आता हूँ। कुछ नहीं हुआ आपको, आप बस अपना ध्यान रखिए। गिरीश, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, जल्दी चलो, गेट रेडी। पुत्र, शौर्य ने कुछ गलत तो नहीं किया होगा ना? नहीं मॉम। है ना मामी जी, शौर्य ने क्या किया है क्या नहीं किया हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि पुलिस उसे पकड़ के चेंबूर पुलिस स्टेशन ले गई है। सब ठीक हो जाएगा, भगवान भी विश्वास रखिए मामी जी। माता रानी दया करिए। संजू, पिंजरे में कैद शेर के सामने तो कुत्ता भी अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता। संजू, संजू नाम है ना, तो संजू सर्कस में करतब दिखाने वाला शेर सिर्फ सूरत से शेर होता है, सीरत उसकी बंदर वाली होती है। ए, बिहेव योरसेल्फ, तमीज से बात कर। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मतलब इस वक्त तू जेल में सलाखों के पीछे, तमीज से तू बात नहीं कर रहा है और तू मुझे कह रहा है कि मैं तमीज से बात करूं? बचपन में बादाम नहीं खाया था क्या? कुछ याद नहीं आ रहा है? मैं याद दिलाऊं? ठीक है, मैं याद दिलाता हूं। इस वक्त पुलिस ने तुझे अरेस्ट किया है, तेरी बदतमीजी, तेरी बदसलूकी और तेरे इस एटीट्यूड की वजह से, और तू मुझे सीख दे रहा है। कोई बात नहीं, तेरे घर पे आईना तो होगा ना, कभी अपनी शक्ल देखी नहीं क्या उसमें? कोई बात नहीं, मैं तुझे एक आईना लाकर देता हूं, तू उसमें अपने आप को देख, शायद तुझे तेरा असली चेहरा नजर आ जाए और तू फिर अपने आप को वही बातें कहे उस आईने में देखकर जो तूने मुझसे इस वक्त कही है, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हे, कभी मिलना मुझे अकेले में, तुझे मेरा वाला आईना दिखाऊंगा, सारी समझदारी ठिकाने लग जाएगी। तेरी जितनी ही समझदारी है ना, सारी की सारी तेरी खून में आ जाएगी, तब तुझे प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि मुझसे बात कैसी करनी है। You understand that? मैं तो आ रहा था तुझसे मिलने, लेकिन तू अपनी गाड़ी फुल स्पीड से भगा के भाग गया। पता है हमारे यहाँ ऐसे लोग को क्या कहते हैं? भगोड़ा, भगोड़ा। Hey, अपनी जुबान को कंट्रोल में रख। अगर मेरा कंट्रोल उड़ाना, लाइफ टाइम पछताएगा। Hey, चुप। अभी एक आवाज नहीं है, चुपचाप काम करने दे मेरे को। राजवीर, तुम यहाँ पे आओ, फॉर्म फिलअप करो। मॉम, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पुत्र, पता नहीं चल पाऊंगी कि नहीं। करीना दी, आपको लगता है डॉक्टर अविनाश इतना जल्दी आ पाएंगे? भाभी आए। आइए डॉक्टर, प्लीज। तुम दोनों अभी तक गए नहीं? गए थे, पर मैंने करण को फोन किया। एक्चुअली मेरी कार बाईपास रोड पे खराब हो गई थी और वहां से टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, तो करण मुझे जल्दी से लेने आ गया। दादी, मुझे पता था कि आप दर्द में, इसलिए पहले मैं डॉक्टर को ले आया। चलिए, आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ, आइए। करण, मम्मी जी को हम देख लेंगे, तू जा और पहले शौर्य को जेल से छुड़ा ला। मॉम, ले आऊंगा मैं, लेकिन पहले दादी को उनके कमरे तक तो छोड़ दूं। करण, बस टेल यू, तुम एक रिस्पॉन्सिबल बेटे भी हो और पोते भी, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। रिस्पॉन्सिबल
बाप होता तो और भी अच्छा होता। मॉम ये बात ना उसकी मॉम को समझाइए। उसे सोचना चाहिए था, मुझे नहीं। मुझसे ये सब बातें मत कीजिए आप। चलिए दादी आइए। चलिए चलिए आराम से। देख के आराम से संभल के। देख आइए डॉक्टर। आराम से आराम से। जब जब ये शौर्य की मॉम कहता है, मैं जानती हूँ ये प्रीता के बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में नहीं। और ये सुन के मुझे जो गुस्सा जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, डैम यू प्रीता, तू मर के भी इस घर में आज भी जिंदा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आई होप कि सब ठीक हो। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए। राजवीर इज एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ गलत नहीं हुआ है उसके साथ और कुछ होगा भी नहीं। वो तो बस का जो हादसा हुआ था उसके गुनहगार को अरेस्ट करवाने गया है। उसने कोई गुनाह थोड़ी किया है। आप टेंशन मत लीजिए। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना, जल्दी है। मैं ना ऐसा करती हूँ, एक फोन करके देखती हूँ। एक बार राजवीर से बात हो जाएगी ना, शायद मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। परफेक्ट। फोन नहीं उठा रहा है। नहीं उठाया मेरा फोन उसने। ऐसा क्या हो रहा होगा कि फोन नहीं उठा रहा है? सब ठीक तो होगा ना? आप राजवीर पर भरोसा रखिए। राजवीर ने जब कुछ गलत किया नहीं है तो उसके साथ गलत क्यों होगा? पुलिस उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगी। फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक बार फोन उठाकर बात कर लेता तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती। वो आपका फोन शायद इसलिए नहीं उठा रहा होगा क्योंकि उसे लग रहा होगा कहीं आप टेंस ना हो जाए। वन सेकेंड, मैं उसे कॉल करती हूँ, आप मुझे उसका नंबर दीजिए। ये देखो। अरे तुम्हारा बार बार फोन आ रहा है, बात क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ मासी, हाँ बोलिए। अरे कितनी देर से मैं तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, अब पलकी ने किया, वो भी हेलो हेलो कर रही है, आगे से बोल क्यों नहीं रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ मासी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। अच्छा राजवीर फोन पे कौन है? जो आपके साथ बस में थे वो, उन्हें भी बुला लीजिए, उनका भी बयान ले लेते। नहीं इंस्पेक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मासी सब कुछ ठीक है, मैं बहुत जल्दी घर आ रहा हूँ, बस एक फॉर्म भरना है, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। राजवीर इंस्पेक्टर, अगर आप इस क्रेजी बॉय की कंप्लेंट पर मुझे मुझे बिहाइंड द बार्स रखेंगे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको पता नहीं है मैं किसका बेटा हूं। लेट मी गो नाउ। मासी मैं आपको कॉल करता हूं। हाँ भैया जरा जल्दी चलिए, वहां ना लड़ाई हो रही है। मैं कह रही थी ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसीलिए मेरा दिल घबराए जा रहा था। थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइए, हम बस पहुंच ही रहे। गलत कर रहे हैं आप। गलती क्या है और गलत फहमी क्या है ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जब सजा मिलेगी ना तो सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी, और जब सजा मिलेगी तो ये भी समझ आ जाएगा कि पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर देखो वो मुझसे कैसे बात कर रहा है। He can't talk to me like that. बहुत पैसे वाले घर से आता हूं मैं और इसको पैसे ऐंठने हैं। That's why he's doing all of this. Don't listen to him. क्या है ना, लोग पैसों से अमीर नहीं बनते, उनकी लाइफस्टाइल, उनके संस्कार,
और उनके मॉरल से अमीर बनते हैं। और वो अमीरी तुझमें तभी आएगी जब तू यहाँ पर सलाखों के पीछे रहेगा। तब जाकर तुझे समझ में आएगा कि लाइफ क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, मॉरल्स क्या होते हैं। और सजा और ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है और समझता भी। अरे कहाँ जा रही है आप? पुलिस स्टेशन। वो तो सिग्नल चालू है इसलिए रिक्शा रुक गई। पुलिस स्टेशन आने में अभी टाइम है। चलिए। गॉड, ये सिग्नल को भी अभी लगना था। हाउ मच मोर टाइम यार? कोई बात नहीं, एक मिनट का सिग्नल होगा। यहाँ पास में ही जल्दी पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन। चलिए भैया। करण, व्हाट हैपेंड? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। व्हाट? पता नहीं क्या हो गया इस गाड़ी को। अरे इजी, आराम से। ए, तू मुंबई में नया है क्या? आना तो नहीं चाहता था, मजबूरी की वजह से आना पड़ा। इसीलिए तू ये बेवकूफ वाली स्टूपिड हरकतें कर रहा है। स्टूपिड? स्टूपिड मैं नहीं, स्टूपिड तू है। ए हीरो, ज्यादा बदतमीजी कम कर, समझा? मैं देख रहा हूँ तू कब से बहुत कुछ बोल रहा है। ये देख कैसे चमचे पाल रखे हैं तू, देख। चमचे? दे फ्रेंड्स ब्रो, मुश्किल वक्त में दोस्त ही काम आते हैं। तेरे कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? हाँ, बटरिंग करने वाले दोस्त, पैसा उड़ाकर खाने वाले दोस्त। ऐसे दोस्तों से दूर रहे, लाइफ सुधर जाएगी तेरी। छोड़ दे ऐसे चमचों का साथ, ओके? राजवीर, तुम फॉर्म फिल कर दो। कहाँ जा रहा है यू फ्रीक? कम हियर। पिंजरे में कैद शेर के सामने तो कुत्ता भी अपने आप को जंगल का राजा समझता है। एक बार बाहर निकलने दो, सबको पता लग जाएगा मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं।